नमस्कार, मैं अशोक तिवारी और आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल। इस वक्त हम झौवा बनवलिया पंचायत में हैं और झौवा बनवलिया पंचायत के मुखिया के सौजन्य से मास्क और साबुन का लगातार वितरण किया जा रहा है। लगातार 3-4 रोजों से जबरदस्त तरीके से मास्क और वितरण किया जा रहा है। हालांकि हमारी मुखिया प्रतिनिधि हरराम सिंह जी से बात भी हुई, इन्होंने कहा कि सरकार हमें क्या दे रही क्या नहीं दे रही उससे मतलब नहीं है। ऐसे ऑथेंटिक तो यही है कि सरकार को ऐसा करना चाहिए ताकि जितने भी पंचायत के लोग हैं, जितने भी ग्रामीण हैं, सारे लोगों को मास्क पहनाया जाए, क्योंकि इस विकट परिस्थिति में इस तरह के भयानक बीमारी से बचने के लिए मास्क सर्वोत्तम उपाय है। जहाँ कोरोना महामारी से काफी त्रस्त है पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व त्रस्त है, ऐसी विकट परिस्थिति में लोगों को बचाव के लिए मास्क बहुत जरूरी है। तो वैसे स्थिति में सरकार का कहना है कि नहीं, मास्क कुछ लोगों को ही दीजिए, जो संदिग्ध है उनको दीजिए, जो परेशान है, जो बाहर से आ रहे हैं उनको दीजिए। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं रोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो मुखिया जी ने जबरदस्त तरीके से इन्होंने सोचा कि हम अपने पूरे पंचायत में सारे लोगों को मास्क वितरण करने का काम करेंगे और अभी तक लगभग 5000 लोगों को इन्होंने मास्क वितरण कर दिया, साबुन वितरण कर दिया। ये जानते हैं, बात करते हैं क्या बताना चाहिए। सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहेंगे, चूंकि इस विकट परिस्थिति में जहाँ कोरोना एक भयानक महामारी का रूप धारण करके और पूरे देश में मंडरा रही है, इस विकट परिस्थिति में सारे लोगों की सेफ्टी के दृष्टिकोण से आपने अभी तक सारे लोगों को मास्क वितरण किया, साबुन वितरण किया, क्या बताना चाहेंगे, क्या क्या वितरण कर रहे हैं, कितने लोगों को अभी तक वितरण कर दिया? अभी तो हम मोटा मोटी 4000 लोगों के वितरण कर दिए साबुन और मास्क की तरफ से, और सोचे हैं जो और भी लगेगा तो देंगे, करते रहेंगे। जैसे कि कुछ लोग की धारणाएं हैं कि सरकारी फंड आया है तो मुखिया जी कर रहे हैं, आप क्या बताना चाहेंगे? ये सब गलत बात, हमारी मर्जी, इस पंचायत में मुखिया हूँ, हम अपना शौक से बांट रहा हूँ। ऐसा काम तो सब मुखिया के करना चाहिए, ऐसा सरकार का कोई फंड नहीं, कोई सरकार का फंड नहीं है। और जो इस तो इस चीज को तो जांचना चाहिए, ब्लॉक में वीडियो साहब उनसे पूछना चाहिए कि मुखिया जी पैसा काट के बांट रहे हैं कि अपनी बकरी से जेब से बांट रहे हैं। मैं मुखिया ही इसके मत बांट रहा हूँ, आपातकालीन है, सब लोग अपने अपने क्या रतन टाटा अभी अच्छा के 1500 करोड़ दिया था, क्या गलत किया है? जो भी दान देता है 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया 100 रुपया, तो क्या मैं अपना मुखिया के हस्ती से 1-2 लाख रुपया नहीं पंचायत में खर्च कर सकता हूँ? जरूर करूँगा। और जनता में काफी खुशी उमंग देखने को मिल रही है। हाँ, सारा जनता आगे ले जा रहा है, जहाँ कहता है मैं अपने तरफ से बंटवा रहा हूँ, घूम घूम कर बांट रहा है। जानना चाहेंगे जो फ्री वाला राशन जो मिलना था वो क्या मिल रहा है, बट रहा है कि नहीं बट रहा है? फ्री वाला राशन अभी तो नहीं बटता है, लेकिन बटने वाला है, लेकिन उसमें कुछ गलत ना है जी। इसलिए गलत है जी, बहुत आदमी के कार्ड है उसको मिलेगा, अब लोग कह रहे हैं जो फार्म जो भरा था उसको मिलेगा, जिसका कुछ नहीं है उसका कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, कार्ड जिसके पास में नहीं है, जो रिसीविंग लाया है उस पर कोई रास्ता है जी दिया जाएगा, लेकिन जिसका कुछ नहीं है, ना रिसीविंग है ना राशन कार्ड है, उसको तो कुछ नहीं मिलेगा। ये सरकार बोलते नहीं कर रही है, ये चीज तो डीलर के पास में जाना ही नहीं चाहिए। आपातकालीन के काम में कोई स्कूल हो या सरकार भवन है यहाँ रखवाना चाहिए, कोई कर्मचारी पुटअप करना चाहिए, इसके बाद मुखिया और वार्ड सब अपने अपने वार्ड के एक दिन बुला कर सारा बंटवारा करना चाहिए इस तरीका से। ये तो गलत होती है, क्या होगा क्या नहीं होगा उसमें क्या ठीक है? 10 के बांटेगा 20 लिखेगा, 5 लीटर 5-2 लीटर देता है तो कहता है 10 लीटर देते हैं, मतलब फ्री वाला वो कहाँ से बांटेगा? 2 आदमी का देगा, 40 आदमी का नाम लिखेगा, गलत करेगा वो, फ्री वाला कैसे बांटेगा? जब कार्ड वाला के धुरता ही करता है, पैसा बढ़ा के लेता है, कहता है जैसे 1 किलो कम लो 2 किलो कम लो, हैं तो जनता के क्या देगा नहीं देगा, सब गलत करा रहे लोग कर रहे हैं। ऐसे स्थिति में सरकार को क्या करना चाहिए? ऐसे सरकार को तो बहुत गलत सरकार करती है, कोई व्यवस्था नहीं है, झूठों के नाम से खाली व्यवस्था है, पेपर से व्यवस्था है, ये चीज है वे चीज है, ऐसे है वैसे है कहा जाता है, लेकिन जगह पर कोई व्यवस्था नहीं, ध्यान देना चाहिए। आप अपने पंचायत में क्या लक्ष्य बनाए हैं, क्या क्या हम तो पंचायत में लक्ष्य बनाए हैं, देखिए सरकार अभी क्या कर रही है इसके बारे में हम सोचेंगे, हम क्या करें अभी, आपको क्या क्या वितरण कर रहे हैं? अभी तो साबुन और मास्क अपने तरफ से बांट रहा हूँ। क्या बता रहे हैं लोगों को? लोगों को कह रहा हूँ मैं अपनी बगली से जेब से फ्री से बांट रहा हूँ, और कोई सस्ता नहीं है, बचने के लिए मास्क जरूरी है। हाँ, मुँह को लगाइए, आप खेत बाजार घूमते हैं चाहे घर में रहते हैं, भाई हमारे तरफ से मास्क आप लगाइए। बात हो रही थी झौवा पंचायत के मुखिया हरिराम सिंह जी हैं, जो लगातार निरंतर अपने पंचायत को डेवलपमेंट में लगे रहते हैं। इनका कहना है कि हमारा उद्देश्य है
कि सरकार क्या हमें देगी और क्या नहीं देगी उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा पंचायत है तभी हम है, हमारी जनता है तभी हम है। आज हम मुखिया प्रतिनिधि के रूप में, इनकी पत्नी यहाँ की मुखिया है और इसके पहले ये मुखिया थे, तो निश्चित तौर से अपने पंचायत के एक एक जनता का निरीक्षण करना, किसी को कोई परेशानी ना हो। हालांकि इनके पंचायत में क्या पूरे जिले में अभी तक ये बीमारी नहीं है, फिर भी बीमारी आने के बाद बचाव करने से ज़्यादा बेहतर है कि हम पहले से ही तैयार रहे कि बीमारी हम तक आए नहीं। तो इस तरह का दृढ़ संकल्पित होकर इन्होंने फैसला किया है कि हमारे पंचायत में सारे लोगों को मास्क दिए जाएंगे, और जहां तक प्रचार हो रहा है कि साबुन से आके हाथ धोइए, जब भी बाहर जाइए तो घरे आइए और डिटॉल साबुन से हाथ धोइए, तो सबके पास सैनिटाइजर खरीदने का पैसा नहीं है या किसी के पास साबुन खरीदने का पैसा नहीं है, ये सारे चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन्होंने डिटॉल साबुन और सारे लोगों को मास्क प्रोवाइड किया है। इनका कथन है कि कोई बाहर भी जाता है तो मास्क पहन के जाएगा, तो क्या होगा कि वायरस जो है बाई चांस किसी से मुलाकात हो गई बातचीत के दौरान उसके मुंह से वायरस आपके मुंह में प्रवेश करता है, तो मास्क उसका रक्षा करेगा। तो इस दृष्टिकोण से हम प्रयास कर रहे हैं कि वैसे खास खास लोगों को चयनित करके जिनको लगातार बाहर आना जाना रहता है, कटनी में जाना होता है, पेट्रोल डीजल टंकी पर जाना होता है, मार्केटिंग में जाना होता है, तो ऐसे ऐसे खास खास चयनित करके लोगों को हम मास्क प्रोवाइड कर रहे हैं, और अभी तक 4000 लोगों को हमने मास्क प्रोवाइड कर दिया। और हमारा प्रयास है कि किसी भी लोगों को इस तरह की बीमारी से लड़ने का मौका नहीं, तो इस सारे लोगों को, जैसे इनका कहना है कि 14000 जानता है और हम प्रयास कर रहे हैं कि सब लोगों तक हमारा ये सुविधा पहुंचे, और सरकार की देखरेख में ये है। इनका कहना है कि यदि फ्री वाला राशन आजकल में नहीं बढ़ता है तो आगे इस पर भी हम विचार करेंगे क्या होना चाहिए, चूँकि सरकार जो फैसला ली है ये फैसला से संतुष्ट नहीं है। इनका कहना है कि वैसे डीलर जिनको पैसा दे के लोग जाता है अपना राशन लेने के लिए, तो उसमें भी आनाकानी करता है लोग, इस महीना का राशन अगले महीना देता है लोग, तो क्या फ्री वाला राशन उन लोग को समय से मिल पाएगा? ऐसे कंडीशन में क्या धांधली नहीं होगी? सरकार को इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, या तो कोई अपना प्रति जो भी प्रतिनिधि है वहाँ बैठाना चाहिए, या फिर ये कारभार मुखिया को देना चाहिए था कि ये फ्री वाला राशन आप अपने नेतृत्व में बंटवाइए, किसको क्या समस्या क्या नहीं है। दूसरी चीज़ कि जिसको कार्ड है उसी को ये राशन मिलेगा, ये कहाँ का इंसाफ है? बहुत सारे ऐसे गरीब है जिनका कार्ड बना ही नहीं है, तो क्या भूखे मरेंगे? तो इस विकट परिस्थिति में सरकार को एक सर्वे कराना चाहिए था मुखिया लोगों के माध्यम से कि किसको क्या परेशानी है, किसको नहीं है, कौन गरीब तबके के हैं कौन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बीपीएल कार्ड बना हुआ है लेकिन उस समय बना हुआ था जब उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, आज उनकी अच्छी स्थिति हो गई है, लेकिन बहुत सारे लोगों की स्थिति अभी बहुत बुरी है। तो वैसे लोगों का चयनित करने का एक मौका मुखिया लोगों को या वार्ड लोगों को या जो भी समाज सेवी उनको देना चाहिए था, ताकि वो लोग चयनित करके बताए कि किनको क्या क्या परेशानी है, ताकि इस भयानक महामारी में लोगों को बचाया जा सके। तो इस विकट परिस्थिति में काफ़ी तत्परता से आगे चल रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। इनके एक मित्र भी हैं हमारे साथ जो कि काफ़ी लगनशीलता से मुखिया जी को कदम से कदम मिला के साथ देते हैं, जहाँ भी इनकी जरूरत होती है ये जाते हैं और लोगों को अग्रसर करते हैं। इन लोगों का लक्ष्य है कि सब लोगों को जागरूक करना है कि हम आपको मास्क क्यों दे रहे हैं, हम आपको साबुन क्यों दे रहे हैं, और इससे क्या आपको फायदा है। राशन जो भी है वो तो मिलेगा, आज खाइएगा और कल आप भूल जाइएगा, लेकिन ये चीज़ जब जब रहेगा आपको याद रहेगा कि हमारी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए सारा चीज़ दिया गया है। आइए इनसे बात करते हैं, क्या बताना चाहिए। पहले तो समृद्धि चैनल को धन्यवाद, मेरी तरफ से मुखिया जी के मित्र मनभाल यादव बोल रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे पंचायत में मुखिया जी ने इतना बड़ा फैसला लिया कि जो किसी ने फैसला लिया, हमारे गाँव में हमारे पंचायत में बहुत पैसे वाले हैं, बहुत सारे करोड़पति हैं इस गांव में, लेकिन इतने बड़ा कोई फैसला नहीं। हालांकि मुखिया जी को कोई बहुत बड़ा सरकार की तरफ से कोई पैसा भी नहीं आया है, लेकिन इन्होंने हम लोगों ने 10 साल में हम लोग इस बात को बताया कि नहीं मुखिया जी इसका मुखिया थे, सर्वप्रथम कि मास्क जरूरी होता है और हाथ धोने के लिए साफ। बहुत हमारे गरीब तबके आदमी हैं जो मास्क नहीं खरीद पाते हैं, उनके यहाँ खाने के लिए दिक्कत है, राशन की दिक्कत है, बहुत सारी समस्याएँ हैं। हमारे मुखिया जी, हम लोग का जो भी टीम है सारा, हम लोग सर्वे करते हैं, सर्वे करके पूरे पंचायत को, और पूरे पंचायत को हम लोग तरफ से यही हम लोग का ये है आगे की तरफ में कि पूरे पंचायत में प्रत्येक घर में मास्क और साबुन दिया जाए। अगर इसके बाद भी कुछ खाने पीने की भी आवश्यकता लगेगी, इस पर भी हमारे मुखिया जी बोले हम लोग विचार करेंगे। सरकार की तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं आई है, लेकिन फिर भी हम लोग विचार करेंगे कि और भी कुछ दिया जाए। जो भी पब्लिक अगर कहेगी कि हमको राशन की आवश्यकता है, खाने की आवश्यकता है या कपड़े की आवश्यकता है, तो हम उसका भी विचार करेंगे और तहे दिल से हम लोग विचार करेंगे और लगे हुए हैं और लगते रहेंगे। और जो भी बाहर से आ रहे हैं उन लोग हम लोग मुखिया जी के माध्यम से फ़ोन करके जांच करवा रहे हैं। बीच में थोड़ा सा परेशानी हो रहा है कि डॉक्टर लोग की टीम कम है, इसलिए वो लोग को भी गलती नहीं कहा जाएगी, टीम कम की वजह से वो लोग सभी जगह वो लोग को भी काम करना है, वो लोग भी आते हैं।
लेट सेट आते हैं, लेकिन वो भी आके देखते हैं। सरकार को क्या संदेश देना चाहिए? सरकार से हम यही अनुरोध है, यही हमारी ये है कि सरकार को चाहिए कि जब हम लोग एक मुखिया का मतलब एक ग्राम पंचायत की जो मुखिया है उनके पास इतने फंड भी नहीं है, लेकिन सरकार को चाहिए कि मुखिया को प्रोत्साहन देने के लिए और जो भी राशन फ्री का भेज रहे हैं वो मुखिया के माध्यम से वितरण कराना चाहिए। मुखिया जी भाई सदस्य कोई नहीं जानता है कि भाई सदस्य तो कल जीता हुआ है, वो पूरे समाज को कमी को और क्या कहाँ प्रॉब्लम वो नहीं समझ पाएगा, लेकिन हमारे मुखिया जी कितने वर्षों से मुखिया जी रहे हुए हैं, सारे घर के एकदम जमीनी स्तर से जानते हैं कि कहाँ किया देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए। अभी ऐसे है कि 40% समथिंग कार्ड नहीं है इसके पास, 60% कार्ड है हमारे पंचायत में। अब बताइए 60% है तो कार्ड वाले को तो मिल जाएगा, लेकिन जिसके पास कार्ड नहीं है उसका क्या होगा? क्या वो गरीब नहीं है? क्या उसको देना नहीं चाहिए? सरकार को इसको सोचना चाहिए। हमने विधायक जी से भी बात किया, एक बार हमारे विधायक जी आए हुए थे तो हम बोले कि इस पर बात किया जाए, तो विधायक जी बोले कि देखिए कार्ड वाले को ही सरकार की तरफ से मिल रहा है, इसमें हम लोग भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो कहने को तो सरकार को इस पर गंभीरतापूर्वक देखने की चीज़ है। हमारे यहाँ आधार कार्ड है सभी के पास, आधार कार्ड के बेस पर देना चाहिए क्योंकि आधार कार्ड प्रत्येक घर में है। समथिंग हो सकता है किसी घर में 10 आदमी है, 2 आदमी छोड़ दिया तो 8 आदमी तो मिलेगा ना, लेकिन जो कार्ड बेसिस पे बोल रहे हैं ये कार्ड बेसिस पे किसको मिलेगा? मिलेगा ही नहीं। हमारे पास बहुत गरीब आदमी है, इसके पास कार्ड ही नहीं, अब उसको कैसे मिलेगा? इसलिए सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए और सरकार विशेष ध्यान करें। हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि वो हमारे मुखिया जी के अंडर में सब दे फ्री वाला, जो कि चिन्हित करके मुखिया जी अपने से उनको दे, कौन गरीब आदमी है कौन सही आदमी है उनको देना उचित है। थैंक यू बहुत ही अच्छा लगा, धन्यवाद। आप जी के सहयोगी हैं, मित्र हैं, हमेशा ये लोग एकजुट होकर और समाज को सुंदर करने का प्रयास करते हैं कि हमारी पंचायत कैसे अच्छी हो, कैसे सुदृढ़ हो, कैसे संपन्न हो, किसी को कोई परेशानी ना हो। अभी भयंकर बीमारी से लड़ने के लिए ये लोग मास्क और साबुन का वितरण कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि अभी 60% लोग ऐसे हैं जिनका BPL कार्ड बना हुआ है, लेकिन 40% ऐसे लोग हैं जिनके साथ आर्थिक गरीबी से वो जूझ रहे हैं, काफ़ी परेशान हैं, उनको खाने के लिए भी कुछ नहीं है, उनका कार्ड भी नहीं बना हुआ है। लेकिन अभी तो सरकार का नियम बना हुआ है कि ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिसके पास कार्ड है, तो वो 40% लोग फिर भुखमरी के शिकार हो जाएंगे। तो सरकार को इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, एक सर्वे करना चाहिए या एक विकल्प निकालना चाहिए कि आखिर उन लोगों तक राशन कैसे पहुँचे। ये जैसे भी हो सरकार को करना चाहिए, चूंकि इस विकट परिस्थिति में सरकार को ही आगे बढ़ना होगा, सरकार को कदम से कदम मिलाकर तमाम लोगों के साथ रहना होगा, तभी जाके पंचायत के लोग या जनता सब बच सकती है, नहीं तो भयंकर महामारी भूख से मरने के चलते भी आ सकती है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। समृद्धि निशाना से कैमरा पर्सन विकास के साथ।